Back in that, yeah. Tell them to watch it. Nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Hey, hey, back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Good morning, guys. अभी मैं हूँ जिस पाप है इधर में मैं रुका था एक भाई मिला इधर आशीष ने थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया मेरा इधर से मनाली पे होटल का थोड़ा बंदोबस्त इसने कर दिया और थोड़ा सस्ते में कर दिया इसमें थैंक यू भाई और इधर से अभी निकल रहा हूँ बाइक अभी पूरा रेडी हो चुका है रेडी टू गो लेकिन बस पूरा लेट से निकल रहा हूँ आज हर दिन सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे के करीब मैं निकलता था आज 12 बजने के बाद निकल रहा हूँ मैं अभी शायद 1 बज गया होगा पहुंच जाऊंगा ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इधर से उधर मनाली में मुझे थोड़ा बहुत घूमना है भाई भी बोला कि वो 3 साल रहा है उधर और वो मुझे थोड़ा घुमा देगा तो अच्छा लगेगा कोई अगर साथ में रहेगा तो जो जानता नहीं है उसको थोड़ा वो जान पहचान मिल जाएगा इधर तो और ज्यादा लेट नहीं करते मैं निकलता हूँ जल्दी जाकर पहुंचता हूँ शुरू हो गया कहानी शुरू जय भोलेनाथ गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉमिनिक बाइकर मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त बापोन आज मैं निकला हूं जिस्पा से मनाली के ओर जो कि है लगभग 110 20 या 30 किलोमीटर एग्जैक्टली नहीं पता इधर से मुझे आगे जाके मिलने वाला है केलोंग जो कि है 25 किलोमीटर अप्रोक्स और उसके बाद मिलने वाला है टंडी जो है 10 किलोमीटर केलोंग से और आज हम क्रॉस करने वाले हैं रोहतांग पास तो बहुत मजे आ रहे हैं इधर आज का वेदर भी बहुत बढ़िया है और आज ऐसे पहाड़ देखने में मजा आ रहा है जिसपे थोड़ा बहुत हरियाली है नहीं तो मैं इतने दिनों से थोड़ा बहुत पक गया था नंगा पर्वत देखते देखते मनाली है 91 और इधर से अटल टनल है 58 किलोमीटर बाद आज भी हमें पानी मिल रहा है सुबह सुबह वाव ओके वेदर है और क्या व्यू है गाइस अरे पानी देखो भाई ओह मुझे नहाने का दिल कर रहा है अभी Tell them to watch it. Nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag. Manali, hey guys, 135 kilometers. What a beautiful road. हिमाचल इज ब्यूटीफुल गाइस और वो देखो ऊपर पे मुझे बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे अभी जिस लेवल पे मैं हूँ गाइस ये 10,000 feet है और वो शायद 15,000-16,000 feet होगा ऊपर गाइस मैं जब दिल्ली से निकला था जम्मू के लिए मैंने अपना बाइक को वॉश करवाया था और इसके बाद अभी तक मैं अपने बाइक को वॉश करवा नहीं पाया कहीं मिला नहीं मुझे वॉश करने का जगह मैं कल जिस्पा पहुंचने के बाद सोच रहा था कि जिस्पा पे रुक जाऊंगा एक दिन लेकिन इतना मस्त वेदर बना हुआ है ये देख के मैं अभी अपने आप को रोक नहीं पाया अभी थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं निकल जाऊंगा मनाली के लिए कैंप जिस्पा जर्नी वो देख रहे हो उधर पे रिवर साइड पे आप कैंप कर सकते हो मुझे अकेले कैंपिंग करने का दिल नहीं कर रहा है इसलिए मैं कैंपिंग नहीं कर रहा हूँ कोई साथ होता तो कैंपिंग करने में मजा आता बट आई एम सोलो तो क्या करूं इसलिए मैंने कैंपिंग नहीं किया अभी मुझे चढ़ाई चढ़ना है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल झरना गाइस इधर में भी ऐसा ही सीन हो रहा है जैसा मेरा श्रीनगर से सोनमार्ग जाते टाइम हुआ था इतना सुंदर एरिया है गाइस ये वो देखो गाइस उधर पे बर्फ है और वो बर्फ पिघल के नीचे आ रहा है सेम गोज देयर उधर पे भी बर्फ है वो बर्फ पिघलते हुए नीचे हुए आ रहा है और इधर लिखा है बी जेंटल ऑन माई कर्व्स फील देम But don't hug them. Yeah, bro. I will feel your curves, but I won't hug them. Wow. बस मुंह से wow, wow निकलते जा रहा है मेरा. एक-एक turn लेने के बाद जो एक-एक scene निकल के आता है ना. Wow. We connect the passes for your betterment. और ये पत्थर देखो कैसे बड़ा हुआ है. हिमाचल प्रदेश इज ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन गाइस मैंने जैकेट के अंदर जो वार्म लाइनर लगाया था मैंने अभी तक खोला नहीं और अभी मुझे थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है भाई वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस इधर पे एक अपना घर होता वाओ ये पहाड़ देखो इजंट इट ब्यूटीफुल ओ यूनिक है भाई ये पहाड़ तो घास नहीं है बस पेड़ है इधर वाओ यार व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट स्टिंगरी है 8 किलोमीटर ये नाम बहुत ही यूनिक है वाह मक्खन लग रहा है मुझे बटर जिसे उठा के खा लूं बस ओह हिमाचल से अगर कोई मुझे देख रहा है भाई आपका हिमाचल बहुत ही सुंदर है एंड आई एम रियली लविंग इट व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड यार me up, so I knew, somewhere I can find myself.
और मैं इधर ड्रोन उड़ाने के लिए रुका था, कुछ शॉट्स लिए मैंने। धूप के चक्कर में मैं स्क्रीन में कुछ देख ही नहीं पा रहा था, पता नहीं कैसे आए। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इधर से गाइस है 81 किलोमीटर मनाली, जो कि मैं बड़े आराम से जाके पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आई होप। लद्दाख में जितने बर्फ के पहाड़ मुझे दिखाई नहीं दिए, हिमाचल के तरफ आते टाइम बहुत सारे दिखाई दिए। देखो उधर में भी है बर्फ के पहाड़। इधर से 20 किलोमीटर बाद हमें मिलने वाला है केलोंग। मैंने अपना बाइक ऑफ कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है और अभी धीरे 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 उतरते जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत नीचे उतरना है तो बेकार का पेट्रोल जला के कोई फायदा नहीं है। ओ हो, इतने प्यार से बाइक चलाते हुए किसी को देखा है आपने? नहीं देखा है तो मुझे देख लो। ये हमारे मिजोरम में चलता है, जब भी ढलान उतरना होता है तो हर कोई बाइक कार दोनों ही न्यूट्रल कर देते है। इधर के नजारे आप एंजॉय करो गाइस, बहुत ही सुंदर नजारे है इधर के और मौसम भी इतना अच्छा है कि आपको हर एक चीज बड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में। वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अगर मैं अभी निकलता नहीं तो शायद इतने अच्छे अच्छे नज़ारे मेरे से मिस हो जाते। वाह, इधर देखो, आपको ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत ही मस्त लग रहे हैं भाई। मैं खो गया हूँ फिर से, मैं बस ये सब अपने अंदर ले रहा हूँ। दिस इज रियली ऑसम, रियली ब्यूटीफुल। ये है स्टिंगरी गाइस। इधर से मनाली है 120 माइलस्टोन बता रहा है और मेरा गूगल मैप बता रहा है 74 किलोमीटर। इतना धूल उड़ रहा है यार इधर से, क्यों देख रहे हो ये क्या हो रहा है? उस पार जाऊंगा तभी पता चलेगा आई गेस। हवा ने क्या धूल उड़ाया उधर से। आज मुझे लग रहा है जैसे कि ये जो मैं अभी इस टाइम पे निकला हूँ शायद यही परफेक्ट टाइम था इस रूट से जाने का। इतने ब्यूटीफुल नजारे भाई, मुझे अगर जिंदगी भर बाइक ऐसे चलाना पड़े आई हैव नो प्रॉब्लम, बस ऐसे व्यू होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इधर में आपको बहुत सारे कैंप्स मिल जाएंगे, देखिए इधर भी कैंप है। ये गाइस केलोंग है और इससे 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें मिलने वाला है टंडी। नो पार्किंग ऑन ब्रिज। वाह, आई गेस हम टंडी पहुंच गए। गाइस मैं जब पहले घर से निकला था तब मैंने सोचा था कि ऑन द वे मैं वीडियोस भी अपलोड करूंगा और राइड भी करूंगा, लेकिन मेरा ये प्लान इतना अच्छे से चला नहीं। रीजन ये है कि मैं राइड भी नहीं कर पा रहा था अच्छे से और मुझे 2-3 दिन रुक रुक के वीडियोस एडिट करके अपलोड करना पड़ रहा था, तो बहुत ही हार्ड लग रहा था मुझे। लेकिन अब ठीक है, मैं कुछ दिनों से अभी लगातार राइड कर रहा हूँ और फाइल्स में स्टोर करते जा रहा हूँ अभी, और घर जाने के बाद ही आपको ये सारे वीडियोस मिलने वाले। इधर देखो भेड़ बकरियां
कल रात मैंने देखा था, तो मैंने बोला था कि सुबह दिखते तो मजा आता, अभी सुबह देख भी लिया। ओह ये पर्वत देखो भाई, वाओ सो ब्यूटीफुल। इधर में जो लोग रहते हैं ये लोग बहुत ही लकी है भाई, हर 15-20 किलोमीटर बाद आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ऐसा, जहाँ पे आप आके चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो, थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकते हो। इधर तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, इधर में बहुत ही मजा आने वाला है। इधर से सिसु है 21 किलोमीटर, अभी तक गाइस मैंने कवर किया है 34 किलोमीटर। मैं बड़े धीरे 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 आस पास का नजारा देख देख के चला रहा हूँ। इधर के घर देखो कितने मस्त लग रहे हैं, इधर के घर, वो घर देखो कहाँ पे बना हुआ है, कितना बढ़िया स्पॉट पे लोग रहते हैं भाई। घर से निकलते ही बर्फ के पर्वत देखते ही दिल मेरा मचल जाएगा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देख रहे हो सुंदर है ना, मैं खो गया भाई, मैं खो गया, मुझे इस जगह पे एक घर चाहिए, मैं इधर पे रहना चाहता हूँ। वाह क्या सुंदर एरिया है यार, ये कोई विलेज है और एक घर से दूसरा घर थोड़ा दूर दूर में है, लेकिन इन घर का डिजाइन कलर कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो इधर में भी कैंप साइट है, इधर में लोग खेती करते हैं और इसके साथ साथ इनका घर भी है इधर। बाय गॉड यार जन्नत ही है, इतना ब्यूटीफुल और इतने अच्छे लोग। ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ शायद, हाँ ये ठोक दिया। इधर इधर हर जगह पे झरना है, ये सब ग्लेशियर्स पिघल के नीचे उतर रहे हैं। गूगल मैप बता रहा है मनाली पहुंचने में मुझे और 42 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई इधर। इधर के लोग कलर्स के साथ अच्छा खेलते हैं। ये रास्ता नया बन रहा है एकदम। ए भाई अलकतरा, ये ना छोटा सा ब्रिज, वाह बहुत तेज पानी बह रहा है भाई। मैं आके अभी पहुंच चुका हूँ सिसु। आपको केलोंग में, सिसु में और जिस्पा में बहुत सारे होम स्टे, कैंपिंग एरिया, बहुत कुछ मिल जाएंगे। रोहतांग पास, अटल टनल इस तरफ। गाइस मैं भी आके पहुंच चुका हूँ अटल टनल, हो रहा अटल टनल रोहतांग। और इधर का व्यू देखो गाइस, वो देखो रिवर और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़। अटल टनल को मैं YouTube वीडियोस पे देखता था, आज उस अटल टनल के सामने हूँ एंड दैट्स फीलिंग ग्रेट। इधर से मनाली है 33 किलोमीटर, दिल्ली है 572, मनाली इज 33 किलोमीटर मोर। वाव ये प्रेयर फ्लैग्स देखो, इतना तेज हवा दे रहा है, देखो जा सकते हैं। मैं इधर रुका नहीं, अंदर घुस गया एंड नाउ आई एम इनसाइड अटल टनल। डू नॉट लिटर, हाँ इधर सुसु मत करो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं पे भी सुसु कर देते हैं, तो इधर में तो बिल्कुल ही मत करना। इधर में नो स्टॉपिंग लिखा हुआ है, लेकिन मैं रुक गया था जस्ट टू कीप माय सनग्लासेस इनसाइड। ये बहुत ही लंबा टनल है और इस टनल का नाम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, अटल टनल। इस टनल के अंदर में GPS काम नहीं करता है ब्रो, गूगल मैप GPS सर्च कर रहा है। दिस इज फन। इसके अंदर में बहुत ठंड है भाई, बहुत ही ज्यादा, एंड इट्स टू लॉन्ग। इधर पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड लिमिट 60 है और मैं 90-91 पे चला रहा हूँ। बहुत ठंड है भाई इधर, बहुत फ्रीजिंग। ट्रक के पीछे में आ गया, अभी थोड़ा ठंड कम लग रहा है। फाइनली एंड हुआ इसका, ओ सडन आंखों में इतना तेज धूप का रोशनी। थैंक्स एंड विजिट अगेन, यस विल विजिट अगेन। मनाली है 24 किलोमीटर, ओ देख रहे हो ऊपर, बहुत सुंदर है यार, बहुत बहुत सुंदर है। इधर पे आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, इधर भुट्टा है, मुझे खाने का दिल कर रहा है। एक दीजिए, ये आ गया मेरा भुट्टा। मैंने एक भुट्टा खाया लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुआ, अभी और एक ले रहा हूँ और उसे भी खाने वाला हूँ। इट्स डैम टेस्टी, बहुत मीठी है। मैंने दो भुट्टे खाए। तो गाइज अभी मुझे इधर से और 20 किलोमीटर जाना है, इसके बाद मुझे मिलेगा मनाली और मैं होटल में चेक इन कर लूंगा। होटल के बारे में भी बातचीत करके रख दिया है मैंने, आशीष भाई ने मेरा कुछ सेटिंग कर दिया इधर में मनाली का, थैंक्स आशीष। अभी बस 20 किलोमीटर बाकी है मनाली पहुंचने में, चलिए अभी निकलते हैं।
मैं लद्दाख का पूरा सर्किट कर लिया लेकिन कहीं पे भी मुझे इनर लाइन परमिट चेक करवाना नहीं पड़ा। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं इनर लाइन परमिट लेता भी नहीं तो भी शायद हो जाता। अभी जहाँ पे हूँ इस एरिया को चोलंग वैली कहते हैं और इधर में कितने प्यारे प्यारे घर है यार, मजेदार। मनाली है 9 किलोमीटर वो भी स्ट्रेट। अभी हम टाउन के एरिया में घुसने वाले हैं, जाम लगा हुआ है इधर। कितने अच्छे और सुंदर सुंदर घर है भाई, वाह। ये रहा हमारा मनाली गाइस, मनाली। अचानक रास्ते के बीच में घुमा दिया यार, वो भी रिवर्स भाई। इधर पे क्या मस्त चिल कर रहा है। इधर मनाली में बहुत ही सुंदर सुंदर घर है यार, आई एम जस्ट लविंग इट। ये जो रिवर देख रहे हो गाइस, जो अभी थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, आपको तो बस पत्थर दिखाई दे रहा होगा, ये है गाइस बीच रिवर। सो गाइस मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ मनाली में। हेलो जी सर, मैं होटल याक के सामने हूँ। होटल याक के सामने? हाँ हाँ। आपने वहाँ से टर्न मार के ना हाईवे वाला रोड है ना जो सर, हाँ हाँ, उसमें आइए सर आगे की तरफ। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, मैं लोकेशन ही भेज देता हूँ आपको, ठीक है सर? हाँ, लोकेशन भेज दो तो बेहतर होगा। ठीक है सर, ले लिया मैंने। नहीं चाहिए भैया, होगा, थैंक यू। हाँ भाई मिला मुझे। ओके 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 भाई, मनाली आओगे तो भाई ये देखो स्टंट कर रहा है भाई। मैंने जो रूम लिया है वो एग्जैक्ट मनाली के अंदर नहीं है, वो थोड़ा आउटस्कर्ट में है, कॉटेज है वो। अभी जाके ही पता चलेगा कैसा कॉटेज है। मुझे तो बताया गया है कि बहुत ही सुंदर सा एक कॉटेज है, अभी मुझे जाके बस देखना है कि कैसा है। इसी हाईवे से होते हुए शायद मैं दिल्ली के लिए निकलूं। थोड़ा चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है अभी हमें। आ गए हम कॉटेज में, मदरलैंड कॉटेज यही है शायद। इधर रख दूं? ओ भाई, हेलो, सामान लेके चले गया? एक बार आशीष को फोन करके बोल देता पहुंच गए। वो आ गया? इनको कॉल करके, वो वापस आ रहा है, यहीं आ रहा है। आज अभी यहीं पहुंचने वाला है, मेरे पास ही आएगा। और बाकी रहने दे, ये बैग ले लूंगा मैं। तेरा नाम भाई? रवि है। अच्छा अच्छा रवि। Later that same evening. Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia. Next day. तो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। अभी मैं हूँ मनाली के मदरलैंड कॉटेज में, सबसे टॉप फ्लोर में। ये व्हाइट हाउस कहते हैं, के नीचे वाले फ्लोर को ग्रीन हाउस और उसके एकदम बॉटम वाले फ्लोर को पर्पल हाउस। कल आके मैं निकला था बाहर, सोचा थोड़ा मॉल रोड घूम के आऊंगा, लेकिन रास्ते पे पुलिस ने हेलमेट की वजह से चालान कर दिया तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। तो वापस आ गया और आज मैं इधर स्टे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना ये जंगली रूम अभी थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ेगा। और कल सुबह निकलने वाला हूँ इधर से मैं दिल्ली के लिए, शायद सुबह 5:30 बजे निकली। तो मिलता हूँ मैं आपके साथ बाद में, तब के लिए आप प्लीज़ सबका ख्याल रखें, एंजॉय करें। बाय बाय।